हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आया हूँ एक न्यूली ओपन पार्क हुआ है हैदराबाद में, जो है लेक फ्रंट पार्क। जैसा आप अभी बोर्ड देखे होंगे, मैं अभी टिकट लेके अंदर एंटर करा हूँ ये पार्क में। चलिए मैं आप लोग को इसके डिटेल्स बताता चलूँ। ये पार्क है लोकेटेड नेकलेस रोड पर, तो यहाँ पर एम्पल पार्किंग है। पार्क के तो आई बिलीव 200 मीटर्स पहले ही आपको पार्किंग मिलेगी। सो ये रिसेंटली HMDA 26.65 करोड़ स्पेंड करके ये पूरा जो है पार्क रेनोवेट करे है, कम्प्लीटली बनाया है। सो ये कम्प्लीटली 10 एकर्स पे है ये पार्क। एंड यहाँ से आप देखेंगे हुसैन सागर का जो है लेक व्यू कम्प्लीटली आपको दिखेगा। चलिए मैं क्विकली आगे जा रहा हूँ, आप लोग को बताऊँगा। और ये यूनिकनेस ये पार्क की ऐसी है कि आपको यहाँ पर जो है एलिवेटेड वॉकवेज मिलेंगे। ये जो वॉकवेज है, जो चलने का जो प्लेटफॉर्म है, जो आप बोलेंगे एक ब्रिज टाइप बना हुआ एलिवेटेड, ये 500 मीटर्स का है। तो आपको ऑलमोस्ट 3 to 4 जो है ये वॉकवेज मिलेंगे। चलिए क्विकली मैं आगे जाऊंगा और आप लोग को हुसैन सागर का लेक व्यू बताऊंगा और वहाँ से आपको क्या क्या दिखने वाला है वो पूरा कम्प्लीटली आप लोग को बताएंगा। हियर यू गो गाइस। सो यहाँ से आप देख रहे होंगे ये जो है हुसैन सागर का पूरा लेक व्यू है। देखिए, ऑन माय राइट हैंड साइड आपको सनसेट दिख रहा होगा। तो ये जो टॉलेस्ट पोल है अपना इंडियन फ्लैग का संजीवा पार्क में लगा हुआ, वो भी आपको यहाँ से दिखेगा। और यहाँ से आपको क्लियरली पता नहीं मेरे कैमरे में आपको उतना क्लियरली कैप्चर हुआ या नहीं, लेकिन आपको यहाँ से सेक्रेटरिएट का भी पूरा कंप्लीट व्यू दिखेगा। डॉक्टर अंबेडकर का जो स्टैचू है सेक्रेटरिएट के बाजू, वो भी दिखेगा। यहाँ से देखिए कंप्लीट हुसैन सागर का आपको व्यू दिखेगा। तो मैं अभी अराउंड 5:30 हो रहा है जो मैं पार्क में मैं इंटर करा हूँ, तो आप लोग को मैं इसका इवनिंग व्यू भी बताऊँगा। देखिए पीछे पूरा सनसेट व्यू है, तो होपफुली मैं आप लोग को इवनिंग व्यू भी बताऊँगा ये पार्क का, क्योंकि जो मुझे सजेशंस आए थे मेरे फ्रेंड्स से कि इवनिंग में ये पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और आप लोग को बताऊँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर कम्प्लीटली सीटिंग एरिया भी बनाए हैं, तो आप लोग को अगर रिलैक्स करना है तो वो मॉडर्न सीटिंग है, तो बहुत ही प्यारे जो है बैठने के सीटिंग अरेंजमेंट्स है नीचे पार्क में। ये तो मैं अभी ऊपर हूँ, जो मैं आपको बता रहा था ये वॉकवेज है, रेड और येलो कलर के ये जो है वॉकवेज है पूरे। एंड आप अभी मैं नीचे जाऊँगा, आप देखेंगे नीचे यहाँ पर पूरा डिफरेंट वराइटी ऑफ प्लांट्स भी है जो लोग लगाए हैं, तो उसके अगेंस्ट में QR कोड्स है, अगर आप वो स्कैन करेंगे तो वो पूरा प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन। एंड नीचे आप देखेंगे बहुत ही प्यारा व्यू है, अतराफ में पूरी ग्रीनरी है, फ्लावर्स है आपको दिखेंगे। तो पिक्चर्स के जो शौकीन हैं, जो फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, ये जो है बेस्ट जगह है जहाँ पे आप ले सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो स्टे ट्यून ऑन दिस वीडियो, वीडियो पे बने रहिए, आप लोग को मैं और फर्दर डिटेल्स बताऊँगा ये पार्क के बारे में। राइट, जैसा आप अब देख रहे होंगे मैं नीचे आया हूँ, यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली ग्रीनरी है आपके चारों तरफ, आपको बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे। एंड आई वुड से पूरा बैकग्राउंड फोटोग्राफी के लिए मस्त जगह है जहाँ पे आप लोग फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। सो और बताता चलो आप लोग को, ये पार्क ओपन हुआ है 1 अक्टूबर को अब पब्लिक के लिए। यहाँ पे जो टिकट प्राइजेस है वो है चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज़ and for adults it is 50 rupees, and if you are coming with the family, अगर आप लोग family के साथ आ रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे 100 rupees pay करेंगे, अगर आपकी family 5 जनों की है। alright guys, जैसा आप लोग को बता रहा था, देखिए evening में lights open हुए बाद park का completely view change हो गया। देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है शाम में, आई वुड से इवनिंग व्यू भी बहुत अच्छा है ये पार्क का। ये देखिए आप, पूरे ट्रीज़ है। अब मैं एक, जब से मैं रेड वॉकवे पे चल रहा था तो अभी मैं येलो वॉकवे पे आया हूँ, थोड़ा बहुत आगे जाऊँगा। आप लोग को रात का भी जो है
सीनिक व्यू बताऊंगा, क्योंकि लाइट्स ओपन करने के बाद ये वॉकवेज बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, साथ ही साथ अतराफ का जो जो दिख रहा है पूरा साइड में वो भी बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी तक जो भी मेरा वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं आप लोग को पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर मेरी पहली बार आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए आप लोग को बता रहा था राइट, लेफ्ट एंड और राइट हैंड साइड पे आपको कम्प्लीटली जो है ये LED लाइट्स दिखेंगे, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये वॉकवे राइट। सो अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग इन्जॉय करिए ये सिनेमैटिक शॉट्स, एंड बिना भूले आप लोग मुझे ये वीडियो को लाइक कर जाइए। So stay tuned on this video. All right, viewers, it's time to end this vlog. मैं ये vlog यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, मिलेंगे फिर next week with नए video के साथ। You have a great evening ahead. Bye bye. See you all in next video.